फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी से तीन बड़ी अपडेट है। जहां बात करें इसके पहले अपडेट की तो कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने इस फिल्म के प्रीलूड वीडियो के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है और वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर ये प्रीलूड वीडियो खत्म होगा। तो प्रीलूड वीडियो का ट्रेलर देखने में काफी दमदार लग रहा है जिसमें हमें बुज्जी और भैरव की दमदार दोस्ती देखने को मिल रही है और वहीं ये प्रीलूड वीडियो हमें 31 मई 2024 को अमेजोन प्राइम में देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके दूसरे अपडेट की तो पहले कहा जा रहा था कि कल्कि 2898 एडी के मेकर इस फिल्म के ट्रेलर को 8 या 9 जून को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर कल्कि के ट्रेलर को 7 जून 2024 को रिलीज करेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और वहीं बात करें इसके तीसरे अपडेट की तो कल्कि 2898 एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने यह कंफर्म कर दिया है कि कल्कि 2898 एडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म होने वाली है। तो ये तो कंफर्म है कि आने वाले समय में हमें कल्कि के अलावा इस यूनिवर्स में और भी कई फिल्में देखने को मिलेंगी। तो देखना होगा कि नागस्विन के इस यूनिवर्स में हमें कल्कि के अलावा कौन कौन सी फिल्में देखने को मिलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर नागस्विन और उनके नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में? और हमारे फ्यूचर का क्या भैरवा? तो रणवीर सिंह की आने वाली पैन इंडिया फिल्म जिसका टाइटल ब्रह्म राक्षस बताया जा रहा था, इस फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की ये फिल्म बंद हो चुकी है। तो आज ब्रह्म राक्षस के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि रणवीर सिंह और डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की आने वाली फिल्म ब्रह्म राक्षस जो कि पीवीसीयू का हिस्सा होने वाली थी, ये फिल्म पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इसका कारण एक्टर और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंस को बताया जा रहा है। पर रणवीर सिंह और डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने कंफर्म किया है कि अभी नहीं पर आने वाले समय में ये दोनों हमें किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स ने ब्रह्म राक्षस फिल्म को बंद करके सही किया या गलत? दुलकर सलमान की आने वाली फिल्म लकी भास्कर की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। आपको बता दें लकी भास्कर के मेकर्स ने ये पोस्टर डालते हुए बताया है कि दुलकर सलमान की ये फिल्म हमें 27 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। दुलकर सलमान की ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर वेंकी अतलूरी ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें दुलकर सलमान के साथ मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। तो अभी कुछ दिनों पहले लकी भास्कर के मेकर्स ने इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया था जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। तो देखना होगा कि दुलकर सलमान की ये फिल्म कैसी होती है। पाई पाई जोड़कर गुजारा करते हैं, पर कोई औकात दिखाने आ जाए तो एक ही झटके में सब उड़ा भी सकते हैं सर। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 से कुछ बीटीएस पिक्चर्स को लीक किया गया है। आप स्क्रीन पर इन पिक्चर्स को देख सकते हैं जिसमें हमें भूल भुलैया 3 की कास्ट देखने को मिल रही है। आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्टर अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति ढिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें दिवाली 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो साल 2024 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने मेकर्स को लगभग 1100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दिया, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर के तले बनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। तो आपको बता दें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। तो अगर आप इस फिल्म से बच चुके हैं, मेरा मतलब अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा है, तो आप इस फिल्म को अपनी पूरी फैमिली के साथ 6 जून 2024 से नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। और अगर आपने एक बार इस टॉर्चर को झेल लिया है तो दोबारा इस फिल्म को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।